हेलो हेलो एवरीवन, हम लोगों को टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस पढ़ना है, जिसमें से हम लोग स्टैनफोर्ड बिने को पढ़ चुके हैं। ठीक, तो हमारा वेशलर रह गया था, लेकिन वेशलर को हमने इसमें स्टैनफोर्ड बिने के साथ ही कंबाइन किया। कुछ एक आध चीजें पिछली बार रह गई थी, तो उसको लेते हुए आज हमारा टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो सबसे पहली बात कि आईक्यू है क्या। तो आईक्यू हम जानते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट है। इंटेलिजेंस क्वोशेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। यानी कि अगर हमारी मानसिक आयु और वास्तविक आयु एक ही होगी, तो कटने के बाद एक आएगा और एक का 100 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि आइडियली, नॉर्मली हमारा आईक्यू 100 होता है, जनरली होता है पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि अगर हम 10 साल के हैं और 10 साल की हमारी मानसिक आयु भी है, तो हमारा आईक्यू 100 है। लेकिन अगर हम 10 साल के हैं और हमारा मानसिक आयु 15 है, तो हम 150 हो जाएगा हमारा आईक्यू। और उसी तरह से अगर हम 10 साल के हैं लेकिन हमारा आईक्यू 5 साल के बच्चे, हमारा मानसिक आयु जो है वो 5 साल के बच्चे की तरह है, तो हमारा आईक्यू घट जाएगा, है ना। तो आईक्यू का ये कंसेप्ट है। अच्छा, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट हम नाप क्यों रहे हैं, इसलिए कि हमको पता चल जाए कि मतलब हम कैटेगराइज कर पाए ना बच्चों को कि कौन से बच्चे किस आईक्यू के हैं, कौन से बच्चे किस आईक्यू हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि अकॉर्डिंगली फिर हम उनको ट्रीटमेंट देंगे। अगर उनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी तो वो देंगे, अगर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो वो देंगे, अगर वो मीडियोकर हैं तो उनको उस तरीके का ट्रीटमेंट देंगे, ताकि जो उनका मैक्सिमम पोटेंशियल है वो बाहर निकल कर आ सके। अगर हम गिफ्टेड चाइल्ड को भी मीडियोकर चाइल्ड की तरह से पढ़ाएंगे तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो ड्रॉप आउट बन जाएगा। और अगर हम बिलो एवरेज वाले को एवरेज की तरह से या सुपर एवरेज की तरह से पढ़ाएंगे तो वो भी पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, क्योंकि उसके बस का नहीं है। वो अपने पे वो किसी भी पेस से उसको नहीं पकड़ सकता है, अगर वो गति हमने पकड़ ली है तो। ठीक, अच्छा, तो अगर हम आईक्यू इंटेलिजेंस टेस्टिंग की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमको मिलता है सन 1800, लेट 18वीं शताब्दी में, नाम सर फ्रांसिस गाल्टन का, जिन्होंने की फर्स्ट ब्रॉड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बनाया। हालांकि ये प्योर साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। फिर उसके बाद नाम आता है अल्फ्रेड बिने का। हम लोग पढ़ चुके हैं, उनको जानते हैं कि उन्होंने 1905 ईस्वी में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। हम ये भी जानते हैं कि फ्रांस के थे वो, फ्रेंच थे। फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनसे कहा था कि प्री प्राइमरी स्कूलिंग या प्राइमरी स्कूलिंग, मतलब जब भी बच्चों को उनको स्कूल में एडमिशन देना है, तो उन्होंने कहा कि एक टेस्ट बना दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि कौन से बच्चे जो है वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ेंगे और कौन से बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है। यानी कि वो हिंड्रेंस जो हम इंटेलिजेंस टेस्ट के रूप में उन पर लगा रहे हैं को पार नहीं कर पाते हैं। फिर जब ये आया तो बड़ा भूचाल मच गया होगा साइकोलॉजी की दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में, कि ये क्या चीज है, बड़ी अच्छी है, बड़ा नया कंसेप्ट है। तो अमेरिका के भी मनोवैज्ञानिकों ने सोचा, उसको लेने की कोशिश की। तो जो लुईस टर्मन महोदय थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अल्फ्रेड बिने के टेस्ट का लीक को लेकर उसका एडेप्टेशन करके स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल बनाया, जिसको कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल हम जानते हैं कि उसके कई रिवीजन आ चुके हैं, और फिलहाल उसका 5वां रिवीजन चल रहा है जो 2003 में आया लेटेस्ट। फिर एक बात खास बताने की, जो पिछली बार बताने से रह गई थी, कि किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद जो हमको स्कोर मिलते हैं किसी पॉपुलेशन में, वो एक बेल कर्व के रूप में अंकित होते हैं, अगर हम उसको ग्राफ पर डालें तो। तो बेल कर्व क्या है, अभी इसका आगे आपको डायग्राम भी मिलेगा। मतलब ये होता है कहने का, जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मल बिहेवियर शो करती है ना। यानी कि 90 से लेकर 110 तक का अगर आईक्यू है, वो हमारी पॉपुलेशन के मैक्सिमम लोगों का होगा। कुछ विशिष्ट लोग जो होते हैं वो जिनका 60 से भी कम होता है, और बहुत अति विशिष्ट होते हैं जिनका 130, 140, 150 होता है। अब हमको बात करनी है वेशलर साहब की, जो कि हमने पिछली बार नहीं की थी। ये बिने साहब की तस्वीर थी, पीछे निकल गई। वेशलर साहब क्यों? क्योंकि बिने का तो जनरली वो था ना बच्चों वाला, तो वेशलर साहब ने बड़े लोगों के लिए बनाया, एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बनाया इन्होंने 1939 में। डेविड वेशलर, अ साइकोलॉजिस्ट हु स्पेंट पार्ट ऑफ हिज कैरियर वर्किंग विद वर्ल्ड वॉर वन वेटरन्स, डेवलप्ड अ न्यू आईक्यू टेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने पहला आईक्यू टेस्ट बनाया। ये क्या कह रहे हैं, क्या किया इन्होंने, कि बहुत सारे सेवरल सब टेस्ट फ्रॉम अदर इंटेलिजेंस टेस्ट, जो 1880 तक जितने इंटेलिजेंस टेस्ट कहीं इधर उधर थे, उन सब के कुछ सब टेस्ट का इन्होंने कॉम्बिनेशन कर लिया और इन्होंने बनाया।
और उन्होंने क्या यूज किया उसमें, वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स को यूज किया। और चूंकि वैश्ला साहब, ये वैश्ला साहब की डेफिनेशन हम लोग इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं और ये लिखी भी हुई है, क्या है वैश्ला की इंटेलिजेंस डेफिनेशन, द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरमेंट। मतलब कि एक व्यक्ति की क्षमता है, कैपेसिटी मतलब क्षमता, ग्लोबल मतलब पूरी समेकित क्षमता, किस चीज के लिए, टू एक्ट पर्पसफुली यानी उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य कर सके, टू थिंक रेशनली मतलब तार्किक रूप से सोच सके, एंड टू डील इफेक्टिवली यानी प्रभावपूर्ण तरीके से डील कर सके, किसके साथ, विद हिज एनवायरमेंट। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो वो इंटेलिजेंट है। सही है ना, सब कुछ आ गया इसमें, पर्पसफुली एक्ट कर रहे हैं, रेशनली रिएक्ट थिंक कर रहे हैं और इफेक्टिवली डील कर रहे हैं, कोई चीज रह नहीं गई इतनी छोटी सी डेफिनेशन में। फिर उन्होंने अपने टेस्ट का नाम दिया, ही नेम्ड द टेस्ट द वैश्लर बेलेवे इंटेलिजेंस स्केल, जिसमें कि बहुत सारे सब टेस्ट थे। और ये कह रहे हैं कि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सब टेस्ट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के इतिहास में ये इंटेलिजेंस को नापने वाला सबसे ज्यादा व्यापक परीक्षण के रूप में मशहूर हो गया। और बाद में इसका नाम बदलकर इन्होंने वैश्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कर दिया, WAIS, जो कि बहुत बार रिवीजन इसका हो चुका है, लेकिन जो इसका मेन एम था वो अभी तक इंटैक्ट है, अनचेंज्ड है, क्या, इंटेलिजेंस नापना। फिर कह रहे हैं कि आज के जमाने में आजकल तीन इंटेलिजेंस टेस्ट है जिनका की क्रेडिट वैश्लर साहब को जाता है। पहला है वैश्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल फोर्थ एडिशन WAIS 4, वैश्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन WISC 5, एंड वैश्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस WPPSI 4। यानी कि ये तीन, वैश्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वैश्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन एंड वैश्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ये तीन टेस्ट का क्रेडिट वैश्लर साहब को जाता है और ये तीनों ही टेस्ट बहुत पॉपुलर हैं। फिर ये कह रहे हैं कि समय समय पर हमको अपने टेस्ट को रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, मतलब बार बार उसमें कुछ कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, कैलिब्रेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कल्चर जो है वो बदल रहा है, बहुत तेजी से सोसाइटी बदल रही है, बहुत तेजी से नॉर्म्स बदल रहे हैं। पहले था कि हाई स्कूल पास बच्चे को जो आना चाहिए वो आज के जमाने में हो गया कि 5th-6th क्लास का बच्चा ही कर लेता है, फिर थोड़ा और कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है, यानी कि एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि IQ का भी स्टैंडर्ड बदलता जा रहा है। और जो एक खास बात और एक बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है जिसको कि हम फ्लिन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि जेम्स फ्लिन ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया, ये कह रहे हैं कि ये देखा गया है कि एक जनरेशन का IQ उसके पिछली वाली जनरेशन के IQ से सिग्निफिकेंटली हायर हो रहा है, बिकॉज ऑफ सो मच इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ सो मच डेटा, बिकॉज ऑफ so much knowledge, because knowledge economy है, knowledge era है ये, तो ये थोड़ा बहुत intelligence के मामले में इसने इतना change किया है कि intelligence हमको significantly higher मिल रही है last generation से। इस effect को Flynn effect कहते हैं। तो WISC, अगर हम WISC के बारे में जानना चाहें तो WISC क्या है, वैश्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन, और इसका कौन सा रूप मतलब रिविजन, कौन सा रिवाइज फॉर्म चल रहा है, 5th, और ये कितने से बना है, 14 सब टेस्ट, 14 उप परीक्षणों से मिलकर बना है, जिसमें कि 5 मुख्य उसके भाग हैं। कौन कौन से, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन यानी कि हमको भाषा का बोध हो, विजुअल स्पेशियल मतलब कि देख कर और आकाशीय विन्यास के बारे में हम कितनी हमारी पकड़ है, फ्लूइड रीजनिंग कितनी है, वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड, ये सब कुछ मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था, फ्लूइड रीजनिंग क्या होता है, वर्किंग मेमोरी क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड क्या होता है, तो वहां से पढ़ लीजिए। फिर जब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमको एक IQ स्कोर मिल जाता है हमारे साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि मेनली इसके बाद बहुत सारा है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, मैंने उसको हटाया नहीं, यहाँ से पूरा मैटर यहाँ पे है, आप उसको बड़ा बड़ा के पढ़ लीजिए। तो फाइनली बात क्या हुई कि अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट नापना, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या नापता है, IQ नाप रहा है, आपको IQ के रूप में स्कोर मिल रहा है। फिर IQ क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 है। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट कब बना, अल्फ्रेड बिने ने बनाया, कहाँ के थे वो, फ्रांस के थे, फिर उन्होंने 1905 में बनाया, फिर किसने उसमें रिविजन किया, टर्मेन ने किया, टर्मेन कहाँ के थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, फिर उन्होंने उसको रिवाइज करके बना दिया क्या 1916 में, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। और स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल के बाद आए वैश्लर साहब, वैश्लर साहब ने एडल्ट के लिए बनाया, फिर उन्होंने बच्चों के लिए भी बनाया और प्री प्राइमरी के लिए भी बना दिया, तो वैश्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल WAIS, WISC वैश्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन एंड वैश्लर प्री स्कूल प्राइमरी स्केल फॉर चिल्ड्रेन, ऐसे करके जो है WPPSI।
तो ये तीन हो गए। तो अगर आपसे पूछते हैं एग्जामिनेशन में कि आप बुद्धि, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि बुद्धि क्या है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं और बुद्धि को नापने की किसी एक परीक्षण का वर्णन कीजिए, तो आपको जो याद हो स्टैनफर्ड विनय या वेस्लर में से आप एक का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्पेशली पूछ दें कि आपको अगर वयस्कों की किसी 18 साल के बच्चे की बुद्धि का परीक्षण कैसे करेंगे, तब आपको वेस्लर वाला डालना पड़ेगा, क्योंकि वेस्लर ने एडल्ट के लिए बनाया, स्टैनफर्ड विनय वाला बच्चों के लिए, वो एडल्ट के लिए नहीं है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। फ्लिन इफेक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेल कर्व, अच्छा यहां ये बेल कर्व तो देख लीजिए, ये देखिए कैसे बेल कर्व, ये देखिए बेल कर्व के रूप में हमारा कोई भी डे वो जो है, ये देखो 5-4 से लेकर 5-6 तक की हाइट मैक्सिमम महिलाओं की है, कहां, यूएस विमेन में। उसी तरह से अगर हम इंडियन विमेन का करें तो ये हमारा 5 फीट से 5 फीट 2 इंच वाला एरिया आ जाएगा, जब मैक्सिमम औरतों की हाइट वही है, उससे कम की भी बहुत कम होगी और उससे ज्यादा की भी बहुत कम होगी। तो इसी तरह से बुद्धि का भी डिस्ट्रीब्यूशन समाज में होता है बेल कर्व के रूप में। अब इसमें एक डेविएशन आईक्यू का भी कंसेप्ट है, वो अभी आज नहीं बता रही हूं, उसके लिए फिर मैं दूसरा कोई वीडियो बना दूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। तो डेविएशन आईक्यू का क्या कंसेप्ट है मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए ये इंटेलिजेंस क्वेश्चंस स्कोर है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बेल कर्व के रूप में अलाई कर रहा है। ये देखो 85 से लेकर 115 जो है वो मैक्सिमम हमारा एरिया कवर कर रहा है, यानी कि 100 है ना ये आईक्यू, तो प्लस 15 माइनस 15 है ना, प्लस माइनस 1 जो इनका चल रहा है सिग्मा। अब आपको पता नहीं है सिग्मा क्या है, कोई बात नहीं, इसलिए डेविएशन आईक्यू का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। जब थोड़ा सा स्टैट्स आपको पता होगा तब आप ये सब जान पाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मीडियन मोड क्या है, तब आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो मैक्सिमम एरिया है वो नॉर्मल लोग कवर करते हैं, और एब नॉर्मल लोग चाहे वो अच्छाई के मामले में हो चाहे बुराई के मामले में हो, वो समाज में कम रहते हैं किसी भी ट्रेड में, और मेनली इंटेलिजेंस में, ठीक। उसके बाद क्या कुछ खास है इसमें, कम्युनिटी स्टैंडर्ड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सब टाइप, वो भी हमको स्पेशल एजुकेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इसके बारे में नहीं बात करेंगे। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ठीक है, वो अभी नहीं बात कर रहे हैं, हमारे इस मेंटल रिटार्डेशन वाला भी एरिया दरअसल इसमें आ गया ना। चलिए कोई नहीं, तो हम अभी चूंकि हमारा मेन इम्फेसिस किस पे था, मेन इम्फेसिस हमारा था कि टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस, जिससे हमने स्टैनफर्ड विनय और वेस्लर दो टेस्ट को पढ़ लिया है, ठीक है। आई थिंक अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कुछ बेहतर तरीके से। ओके, डन।